अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अब्रिन एकेडमी में। आज हम ब्रिज कोर्स का 8वीं जमात का Day 9 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है मुश्तरिक जुजाफे अक्ल। पिछले वीडियो में हमने मुश्तरिक आदे आज़म के बारे में पढ़ा था, आज हम मुश्तरिक जुजाफे अक्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है मुश्तरिक जुजाफे अक्ल। मुश्तरिक मतलब एक जैसा, जुजाफ मतलब जो कई अदद से तकसीम हो, ऐसा अदद जो कम से कम दो या दो से ज़्यादा अददों से तकसीम होता है, ऐसे अदद को जुजाफ कहते हैं। अक्ल मतलब छोटे से छोटा। ठीक है, तो हमको मुश्तरिक जुजाफे अक्ल के बारे में पढ़ना है, यानी ऐसा अदद ढूंढना है जो कई अदद से तकसीम होता है। तो आइए मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। रेहाना और ईना फूलों के गजरे बनाती है, हर एक टोकरी में फूलों की मसावी तादाद देनी है। तो रेहाना जो है वो 6 फूलों वाले गजरे बनाने वाली है, और ईना जो है वो 8 फूलों वाले गजरे बनाने हैं। तो रेहाना जो 6 फूलों वाले गजरे बनाने वाली है, और ईना जो है तो वो 8 फूलों वाले गजरे बनानी है। तो अब हमको 6 और 8 का मुश्तरिक जुजाफे अक्ल मालूम करना है, मतलब ऐसी अदद ढूंढनी है जो 6 और 8 के पहाड़े में आती है, या फिर 6 और 8 से उसको तकसीम होता है। तो वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा लिखेंगे, या फिर ऐसी अदद लिखेंगे जिसको 6 से तकसीम होता है। तो 6 का पहाड़ा लिखने के बाद क्या आ जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48, 54, 60, 66, 72, 78। ठीक है, इसके आगे भी आप लोग जा सकते हो। इसी तरह 8 का पहाड़ा लिखने के बाद 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104। अब हमारे सामने 6 और 8 का पहाड़ा मौजूद है, इसमें से हमको मुश्तरिक अदद ढूंढना है, मतलब ऐसी अदद जो 6 के पहाड़े में भी आती है और 8 के पहाड़े में भी आती है। तो ऐसी अदद कौन कौन सी है, 24 है, 48 है, 72 है, 96 है। ठीक है, अब 24, 48, 72 और 96, इन अदद में से सबसे छोटी अदद कौन सी है। तो सबसे छोटी अदद कौन सी है, 24 है, मतलब अदद 24 ही 6 और 8 का मुश्तरिक जुजाफे अक्ल है। तो 8 और 6 का मुश्तरिक जुजाफे अक्ल क्या हो गया, 24 हो गया। हमने कैसे ढूंढा, 6 के ज़र्फ़ लिखे, यानी 6 का पहाड़ा लिखे, 8 का पहाड़ा लिखे, फिर उनमें से जो मुश्तरिक अदद थे वो हमने निकाले, और उन मुश्तरिक अदद में से जो सबसे छोटा अदद रहेगा वो हमारा मुश्तरिक जुजाफे अक्ल होगा। मिसाल नंबर 2 है कि 13 और 6 का मुश्तरिक जुजाफे अक्ल मालूम कीजिए, उसको म ज अ लिखते हैं। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा लिखेंगे, 13 का 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 104, 107 और 130। इसी तरह 6 का पहाड़ा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। अब यहाँ पर मुश्तरिक अदद नज़र आ रहे क्या, 13 और 6 के पहाड़े के अंदर ऐसी कौन सी अदद है जो एक साथ आती है, मतलब दोनों के अंदर कॉमन है या फिर मुश्तरिक है। तो 13 के ज़र्फ़ में जो है तो 78 है, 6 के ज़र्फ़ में है क्या, नहीं है, मतलब हमने जो पहाड़ा 10 तक लिखा है इसमें मुश्तरिक अदद नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, पहाड़े को आगे तक बढ़ाएंगे, तो 13 का पहाड़ा 130, 143, 156। इसी तरह 6 का पहाड़ा 60, 66, 72, 78, 84। अब हमारी समझ में आता है कि 13 और 6 इनका मुश्तरिक अदद कौन सा है, 78 है, और वही अदद जो है तो क्या है, सबसे छोटा है। इसलिए 13 और 6 का मुश्तरिक जुजाफे अक्ल क्या होगा, 78 होगा। तो
मुश्तरक जुजाफ़े अक्ल ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, दिए हुए अदद के ज़र्फ़ लिखना है, यानी उनका पहाड़ा लिखना है, फिर उसके अंदर से जो कॉमन है, जो एक जैसी अदद है वो लिखना है। अगर वो एक जैसी अदद एक से ज़्यादा है तो उनमें जो सबसे छोटी अदद रहेगी वो हमारा मुश्तरक जुजाफ़े अक्ल होगा। ठीक है, दो एदाद का मुश्तरक जुजाफ़े अक्ल इनके हासिल ज़र्ब से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई दो अदद दिए हुए हैं तो उनका जो मुश्तरक जुजाफ़े अक्ल होगा वो उनके हासिल ज़र्ब से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर हमने 13 और 6 का मुश्तरक जुजाफ़े अक्ल निकाला तो वो कितना था, 78 था। तो 13 और 6 का ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। ठीक है, तो 78 से बड़ा 13 और 6 का मुश्तरक जुजाफ़े अक्ल नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ मिसालें हैं यहाँ पर आप लोगों को हल करने के लिए दी हुई हैं, वो आप लोगों हल कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।